लेकिन हमें ना इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है किसी और से। मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे ज्यादा काम क्या होता है कि हम n इक्वल टू 1 लेते हैं। अब इस सवाल में हर टर्म के अंदर n है तो n की वैल्यू 1 रखेंगे अगर तो सब में रखेंगे ना। n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो पहली टर्म में नहीं सब में रखेंगे। और n इक्वल टू 1 का मतलब होगा कि 1 0 प्लस 1 बस ये इससे आगे n की वैल्यू 1 पुट करने के काबिल है नहीं। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैंने n यहां रखा 1 और ये 2 तो ये कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा। कॉम्बिनेशन में क्या होता है n जो है ना वो r से बड़ा होगा या बराबर होगा। अब यहां पर n कौन है 1 यहां पर r कौन है 0 तो 1 0 से बड़ा है r 1 1 से बड़ा तो नहीं लेकिन बराबर है। अगर मैं यहाँ रखूंगा इनकी जगह तो 1 उसे छोटा हो जाएगा 2 और बाहर बड़ा हो जाएगा तो आगे जा नहीं सकता तो ये दो टूट लेंगे। तो बच्चे उम्र जगह पर करते हैं गलती तो इनकी जगह यहाँ पर क्या पुट कर लेंगे समझ आई मेरी बात। अब स्टूडेंट्स इस सवाल के अंदर क्या कंफ्यूज होते हैं कि एन की जगह का 1 रखा तो 1 रखा तो 1 0 हो गया और जब यहाँ पर एन की जगह 1 रखते हैं तो 2 में वापस आ जैसे आपने गलती की समझ आई बात। अब ये 1 कॉम्बिनेशन 0 जो है ना यानी कि 1 c 0 इसका मतलब है 1 c 0 और 1 c 0 बराबर क्या होगा 1 के होगा तो ये बोलेंगे कि 1 को बराबर तुम ये है नहीं इसका मतलब ये बात गलत हो गई। तो ऐसा नहीं है n की वैल्यू 1 लेने का मतलब यहां पर है कि n जो है ना वो r से बड़ा रहेगा और r या तो आगे बराबर रहेगा n r से आगे बराबर रहेगा इसलिए ये दोनों ले लेंगे। 1 कॉम्बिनेशन 0 क्या आएगा 1 और 1 कॉम्बिनेशन 1 भी क्या होता है आएगा उसमें अब अगर आप इसमें देखो तो इसमें हर क्रम के अंदर तो n है ना तो हर क्रम में n की जगह जब प्रूव करें तो k प्लस 1 क्रम चाहिए। जब हम एस के ले लेंगे तो सम टू के टर्म आ गया लेकिन सम ऑफ के प्लस 1 का मतलब होगा जहां जहां एन वहां वहां क्या होना चाहिए के प्लस 1 इसका मतलब इस जगह पर भी जाना चाहिए इन दोनों पर भी अब ये कैसे आएगा सबका ध्यान से इधर 2 पे पावर एन की जगह के प्लस 1 कैसे आ सकता है क्योंकि ये 2 पे पावर के है ना जब तक इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 2 पे पावर k प्लस 1 नहीं बनेगा तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि हम ऐड करें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। उसने मुझे ये नहीं कहा कि ऐड करो तो सम ऑफ k प्लस 1 बनना चाहिए नहीं उसने कहा कि भाई प्रोपोजिशन ट्रू होनी चाहिए n इज इक्वल टू k प्लस 1 पर कहीं उसने ये कहा कि टर्म ऐड करो तो सम बनना चाहिए नहीं। कोई गलत बात है कि हमारे 99% सवालों में हमने यही किया समझ आई बात लेकिन ये सीरीज डिफरेंट है क्योंकि इसकी हर क्रम के अंदर क्या है ऐसा कोई सवाल आपने अभी तक किया नहीं समझ आई बात। अब क्या करें जी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 हमने क्या किया इस एग्जाम में 2 से मल्टीप्लाई कोई बड़ा काम नहीं है लेकिन टेक्निकली सवाल के अंदर कोई बड़ा काम नहीं है बट टेक्निकल है क्योंकि जब 2 के मल्टीप्लाई करने वाली बात थी ये आपके दिमागों में खुद से तो नहीं आ ठीक है। अब सुनिए बेटे यहां पर तो बन जाएगा k पे 2 पे पावर k प्लस 1 बन गया लेकिन प्रोपोजिशन ट्रू होनी चाहिए जहां जहां है वहां वहां k प्लस 1। अब यहां तो हम n की जगह k प्लस 1 बनाने में कामयाब हो गए यहां तो नहीं बन रहा ना लेफ्ट साइड में तो कहीं पर भी k प्लस 1 नहीं है तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। मैं इस 2 टाइम्स k 0 2 दो दफा लिख सकता हूं 2 टाइम्स k 1 2 k कॉम्बिनेशन 1 प्लस k कॉम्बिनेशन 1 लिख सकता हूं इस k 2 टाइम्स k कॉम्बिनेशन 2 को दो बार k टाइम्स k कॉम्बिनेशन 2 लिख सकता हूं हां
आमीन। और इस तरह चलते जाऊं तो इसको भी तो दो बार लिख सकता हूं, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? आमीन। अब यहां पर तो n इक्वल टू kTL पड़ा है लेकिन इन जगहों पर नहीं आता। अब यहां पर हम एक रूल का इस्तेमाल करेंगे और उसको कहते हैं जो कि इसका थर्ड पार्ट है प्रूफ करने वाला। सुनिएगा बेटा, n कॉम्बिनेशन r प्लस n कॉम्बिनेशन r माइनस 1 बराबर होगा n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r। इसको कहते हैं पास्कल रूल। ये कहता है n कॉम्बिनेशन r प्लस n कॉम्बिनेशन r माइनस 1 बराबर होगा n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r। अब इसके अंदर हर क्रम दो है। अगर सपोज करो यहां पर r 1 है, अगर r यहां पर क्या है 1, b क्या होगा 0, यानी कि r माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 means k 0 प्लस k 1 बराबर होगा k प्लस 1 1 0। देखो मेरी बात समझ अब बेटा, ये बात समझ आई? मेरी बात समझ आई? k कॉम्बिनेशन 0 प्लस k कॉम्बिनेशन 1 बराबर होगा k प्लस 1 कॉम्बिनेशन 1 के, यानी कि इसका रूल इस्तेमाल करो। n की जगह क्या है यहां पर? a। n की जगह क्या है यहां पर? a। तो यहां पर n की जगह क्या आ गया? a। बताओ समझ आई? अगली बात समझ। यहां पर r कौन है? अच्छा ये उल्टा है, इसको ऐसे लिखो, ठीक है, अरेंज कर लियो। यहां पर r क्या है? तो ये क्या होगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो ये n की जगह तो k प्लस 1 बन गया और यहां r कौन था? 1। तो k कॉम्बिनेशन 1 प्लस k कॉम्बिनेशन 0 बराबर होगा k प्लस 1 कॉम्बिनेशन 1। ठीक, अगर मैं n लेता हूं k और r लेता हूं 2 प्लस n लेता हूं k और r लेता हूं 2 तो क्या होगा? तो n क्या होगा? k प्लस 1 2 और यहां पर r कौन है? 2। इसका मतलब k कॉम्बिनेशन 2 प्लस k कॉम्बिनेशन 1 बराबर होगा k प्लस 1 कॉम्बिनेशन 2। बात समझ आई? यस सर। तुमशिल अबरी ये समझ ले मेरी बात। दो बार के कॉम्बिनेशन 3, दो बार के कॉम्बिनेशन 4, एक 3 पहले इस्तेमाल हो रहा होगा, एक 3 बाद में इस्तेमाल हो रहा होगा, एक 4 पहले इस्तेमाल हो रहा होगा, एक 4 बाद में इस्तेमाल हो रहा होगा, होते 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 ही वहां पर पहुंचेगा। मेरी बात समझ रहे बेटा? एक और ले लेते चलो समझाने के लिए। अब मैं अगर r की जगह लेता हूं 3 तो k कॉम्बिनेशन 3 प्लस k कॉम्बिनेशन 2 बराबर किसके होगा? k प्लस 1 कॉम्बिनेशन 3 होगा। अब देखो 1 कितनी बार इस्तेमाल हो रहा है? 2 बार। 2 कितनी बार इस्तेमाल हो रहा है? 2 बार। 3 कितनी बार होगा? 2 बार। 4 कितनी बार होगा? 2 बार। इससे पहले वाली टर्म क्या होगी? इससे पहले वाली टर्म होगी k और k माइनस 1 होगी। जब मैं इन दोनों का सम करूंगा तो k k प्लस k k माइनस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 और यहां पर r कौन है? k। अब हुआ क्या इससे फायदा? ये तो k कॉम्बिनेशन 0 अकेला रह गया क्योंकि इसका 0 तो चला गया 1 के साथ, इसको छोड़ दिया, ये ऐसी रही, पहला वाला भी बच गया और आखिरी वाला भी बच गया। बाकी सब पर, बाकी सब पर पास का मतलब, बाकी सब पर क्या लग गया? पहला वाला बच गया और आखिरी बच गया। अगर देखा जाए तो हमें क्या प्रूफ करना है? प्रोपोजिशन मस्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो हो तो गई है भाई, ये k 0 की जगह k प्लस 1 रख रहा हूं, क्या बात? बताओ फल पड़ेगा या नहीं? कैसे कैसे रख सकते हैं बताओ? ये देखो, ये जो k कॉम्बिनेशन 0 है ना, हम जानते हैं
n कॉम्बिनेशन 0 बराबर होगा n प्लस 1 कॉम्बिनेशन 0 के, होगा क्या? इसको भी छोड़ दो, n कॉम्बिनेशन 0 बराबर होगा तो n कॉम्बिनेशन n करूं या n कॉम्बिनेशन 0 करूं, दोनों का आंसर क्या आएगा? 1। अगर मैं इसकी जगह k रखूं तो k कॉम्बिनेशन 0 भी बनाएगा और k कॉम्बिनेशन k भी बनाएगा। n की जगह कुछ भी रखो ना, n की जगह 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, k रखो, फिर क्या आएगा? अभी और अगर मैं k की जगह k प्लस 1 रख दूं तो तब भी क्या आएगा? और नहीं बोलो, k प्लस 1 कॉम्बिनेशन k प्लस 1, अगर ये दोनों सेम है कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन में अगर n और r सेम है तो उसका आंसर भी क्या आएगा? और अगर कॉम्बिनेशन में r 0 है उसका आंसर भी क्या आएगा? तो मैं k 0, k कॉम्बिनेशन 0 की जगह k प्लस 1 कॉम्बिनेशन 0 लिख सकता हूँ, और k कॉम्बिनेशन k की जगह k प्लस 1 कॉम्बिनेशन k प्लस 1 कर सकता हूँ। तो b कैट k कॉम्बिनेशन 0 की जगह क्या है बेटा? k प्लस 1 कॉम्बिनेशन 0, k प्लस 1 कॉम्बिनेशन 1, k प्लस 1 कॉम्बिनेशन 2 एंड सो ऑन, k प्लस 1 कॉम्बिनेशन k प्लस 1, ये किसकी जगह है? k k जो लिखा हुआ है उसकी जगह क्या है? k प्लस 1। ये देखो तो आखिर में क्या हुआ? 2 में पावर k। अब मुझे बताओ, n स्टीप ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, जहां जहां n है वहां वहां k प्लस 1 आ गया।